आज की कामयाब महफिल के लिए मैं सदर आली वकार फाजिल मोहम्मद फाजिल अंसारी साहब को, उनसे लेकर कन्वीनर अंसार गुड्डू तक जितने मेहमाना ने किराम हैं, मैं तमाम लोगों को, एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन हो, हाफिज जमील साहब हो, या जितने लोग भी, मोहतरम जियाउर रहमान साहब, इनकी स्पीच की बरकतें हैं जो इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर रोशनी डाली थी, उसकी बरकतें हैं कि यह मुशायरा ज़मीन से आसमान तक पहुँचा है। और रशीद ताहिर मोमिन साहब ने मेरे कान में कहा, मैंने कहा कि शुरू में हमने गुफ्तगू की है, लेकिन मैंने एक जुमला कहा था, वो फिर इस वक्त रिपीट करना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसी शख्सियत थे कि जिनकी तालीमी रोशनी में उनके उन जज्बात, उनके एहसासात, जो अपनी कौम के लिए उनका दर्द था, उसी की रोशनी में दुनिया के आखिरी दिन तक हिंदुस्तान का मुसलमान सफ़र करता रहेगा। ये शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की थी। इन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से जिन मुसलमानों को रोका था, उनमें हमारे बाप दादा थे, और जिन्होंने उनकी बात काटी थी वो पाकिस्तान चले गए थे। तो हमें फ़ख्र होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले हमारे बाप दादा थे। जिन्होंने लब्बैक नहीं कहा होता तो शायद आज हम लोग हिंदुस्तानी नहीं होते। मैं उन्हें मुबारकबाद, उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं अपनी जानिब से, और भिवंडी के तमाम लोगों को, आपने आज की इस महफिल को मंसूब किया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करते हुए, आइए अब गज़ल के उस लहजे तक पहुँचते हैं जिसने, देखिए दोस्तों, मैं तो आज का ज़माना देखता हूँ, कोई शख्स अगर प्रोफेशनल तरीके से कोई काम करना चाहता है तो वो बहुत होता है साल, दो साल, दस साल, फिर वो अपना कारोबार बदल देता है, दूसरे किसी कारोबार में चला जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा शायर आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ जो आज से 40-45 साल, 50 साल पहले भी भिवंडी आया होगा, जो आज भी भिवंडी आ रहा है सिर्फ गज़ल के हवाले से। ईमानदारी जो कहते हैं कि आदमी प्रोफेशनल तौर पर साल, दो साल, दस साल में अपना प्रोफेशनल चेंज कर देता है, वो कौन से लोग हैं यार जो पूरी दुनिया में बचपन से किसी एक प्रोफेशनल के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी साहतें भी उसी में सर्फ करते हुए नजर आते हैं। कि नजर नजर से मिलाना, तौसीफ ताबिश ने कहा था, नजर नजर से मिलाना बहुत जरूरी था, हमारा वजद में आना बहुत जरूरी था, किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में, तुम्हारा नाम बताना बहुत जरूरी था, किसी ने पूछ लिया था गजल के बारे में, तुम्हारा नाम बताना बहुत जरूरी था। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं, वहाँ वहाँ सरजमीन दारुसुरूर बुरहानपुर के नाम को चमकाने वाला नाम आली जनाब नईम अख्तर खादमी साहब का नाम है। न जाने कितने ऐसे शागिर्द, कितने ऐसे शायर उन्होंने पैदा किए हैं पूरी जिंदगी में, और गजल के साथ ईमानदारी बरतते हुए आज नईम अख्तर खादमी साहब यहाँ आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तमाम लोग अपने हाथों को उठाकर जोरदार तालियों के साथ गजल के इस महबूब शायर, गजल की आबरू मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब का इस्तकबाल। हाजरीन ग्रामी, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रगुजार हूँ अंसार गुड्डू साहब का और उनके तमाम रुफका का कि इन सब के तवस्सुस से आपके दरमियान हाजिरी का मौका मिला। आज के मुशायरे की निज़ामत इरशाद अंजुम बखूबी आज के मुशायरे की निज़ामत की है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार इरशाद अंजुम के लिए तालियां। महाराष्ट्र में अनाउंसर की कमी है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इरशाद अंजुम को और भी नवाजे निजामत के मैदान में, ताकि न पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी निजामत पेश करें। आज का यह मुशायरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में इनकाद पजीर है। इरशाद अंजुम ने भी जो सीढ़ियों वाली बात कही जामा मस्जिद की, मैं एक शेर उनकी पेश कर रहा हूं। जी जी, एला, एला। कि सच तो ये है, सच तो ये है, तेरी आवाज ने रोका हमको। क्या बात है, सच तो ये है, सच तो ये है, तेरी आवाज ने रोका हमको, वरना हम थे ये वतन छोड़ के जाने वाले। क्या बात है, वाह वाह, सच तो ये है, तेरी आवाज ने रोका हमको, वरना हम थे ये वतन, वरना हम थे ये वतन छोड़ के जाने वाले,
वरना हम थे ये वतन छोड़ के जाने वाले। बहुत शुक्रिया आदरी, बहुत शुक्रिया। एक शेर पेश कर रहा हूँ, आज का ताजा शेर। इरशाद, क्या बात है, मुलाहजा फरमाएं। अता करें, अता करें। के बेबसी देखिए समंदर की, बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता, पानी रखता है पी नहीं सकता, क्या बात है, पानी रखता है पी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया हाजरीन। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, भरपूर मतला है, वाह वाह वाह। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, क्या बात है, वाह वाह। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, हा हा, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। देखिए शायरी इशारे किनारे में बात करती है, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहे। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, वाह 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 वाह, चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे, क्या बात है उस्ताद, वाह 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 वाह, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। ये तो अच्छा हुआ वकील साहब, ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते रहते। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते रहते, वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते रहते, क्या बात है। वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते रहते, क्या बात है। अच्छा ये तुमने खेल किया खेल खेल में, अच्छा अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल, क्या बात है, अरे क्या अच्छा बदला, अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक दी, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में, वाह 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 वाह, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में, पाबंदियां वही हैं रिहाई के बाद भी, पाबंदियां वही हैं रिहाई के बाद भी, हम जेल से निकल के भी जैसे हों जेल में, बात है, वाह 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 वाह, पाबंदियां वही हैं रिहाई के बाद भी, जेल से निकल के भी, हम जेल से निकल के भी जैसे हों जेल में, वाह वाह वाह, हम जेल से निकल के भी जैसे हों जेल में, बढ़ती हुई मशीन गने पीछे हट गई, सुनिए शेर, बढ़ती हुई मशीन गने पीछे हट गई, ताकत कहां से आ गई इतनी गुलेल में, क्या बात है, बढ़ती हुई मशीन गने पीछे हट गई, ताकत कहां से आ गई, ताकत कहां से आ गई इतनी गुलेल में, आया भी सुख तो पांव पर अपने खड़ा रहा, क्या बात है, क्या बात है, आया भी सुख तो पांव पर अपने खड़े खड़ा रहा, इतने दुखों की भीड़ थी जीवन की रेल में, वाह, आया भी सुख तो पांव पर अपने खड़ा रहा, क्या बात है, वाह वाह, इतने दुखों की भीड़ थी जीवन की रेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था,
देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था। इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या अच्छा मतलब है। अरे वाह 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 भाई, क्या कहने भाई, शादाब भाई मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। वाह 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 वाह, शुक्रिया। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। वाह 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 वाह, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे के चेहरा आपका, आज ऐसा क्या हुआ जिससे के चेहरा आपका, पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। वाह, आज ऐसा क्या हुआ जिससे के चेहरा आपका, पहले भी पीला था, पहले भी पीला था लेकिन इस कदर, लेकिन इस कदर पीला न था, लेकिन इस कदर पीला न था। और ये दोस्तों एक तहजीब पर एक शेर मेरा मुलाजा फरमाएं, पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। क्या बात है। घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। क्या बात है, वाह वाह। घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम। क्या बात है। घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, क्या बात है, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। और शेर पेश कर रहा हूं, मेरी आदत नहीं है तमहीद बांधने की, क्योंकि तमहीद बांधने में शेर का लुत्फ खत्म हो जाता है, इसलिए मैं तमहीद नहीं बांधूंगा। और वो भी अहले फहम की महफिल में तमहीद बांधना अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन शेर तक आप पहुंचेंगे। शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था, जितनी शिद्दत से उधेड़ा है तुम्हें एक फूल ने, जितनी शिद्दत से उधेड़ा है तुम्हें एक फूल ने, इतनी शिद्दत से कभी कांटों ने भी छीला न था। अरे वाह वाह वाह, जितनी शिद्दत से उधेड़ा है तुम्हें एक फूल ने, जितनी शिद्दत से उधेड़ा है तुम्हें एक फूल ने, इतनी शिद्दत से कभी कांटों ने भी छीला न था। और ये अता भी ऐद हाजिर की अता है नहीं, शायरी का लहजा वरना इतना जोशीला न था। बात है, वाह 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 वाह, ये अता भी अहदे हाजिर की अता है या नहीं, बा बा बा। शायरी का लहजा वरना इतना जोशीला न था। क्या बात। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। दो तीन शेर और सुनाना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए। तरन्नुम का तो मैं शायर ही हूँ भाई। क्या बात है। हाँ, मेरी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा शायरी आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। हम अली जनाब एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब किसी मैयत में शिरकत के लिए उन्हें जाना है, हम उनका मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें रुखसत करते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए नईम अख्तर खादमी साहब को अपनी शायरी। मुलाजा फरमाए कि अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। और शेर आ रहा है दोस्तों, किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो अपने को बड़ा गिनने लगा, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है। वाह वाह वाह।
अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं। अच्छा, क्या बात है, वाह। हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है, उसे भी पारसाई का है दावा, उसे भी पारसाई का है दावा, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, हाय हाय, क्या बात है, उसे भी पारसाई का है दावा, शराफत जिसकी घुट्टी में, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, ये पानी किस तरह कश्ती में आया, अगर सुराख कश्ती में नहीं है, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये पानी किस तरह कश्ती में आया, अगर सुराख, ये पानी किस तरह कश्ती में आया, वाह 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 वाह, अगर सुराख कश्ती में नहीं है, अगर सुराख कश्ती, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हाजरी, एक गजल की फरमाइश भी है तरन्नुम से, मैं पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाहजा फरमाएं, अच्छा मतला पेश कर रहा हूं। वो मेरे पास आना चाहता है, क्या बात है, वो मेरे पास, वो मेरे आना चाहता, पास आना चाहता है, वो मेरे पास आना चाहता है, चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है, वाह 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 वाह, मगर कोई बहाना चाहता, अब बात है, चाहता है, क्या कहने उस्ताद बाबा, मगर कोई बहाना चाहता है, बहुत शुक्रिया जी। वो मेरे पास आना चाहता है, चाहता है, मगर कोई बहाना वाह 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 चाहता है, मगर कोई बहाना, मगर कोई चाहता है। और दोस्तों शेर मुलाहज़ा फरमाएं, इनायत इनायत अता करें, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, यूं ही उलझा नहीं है पाँव मेरा, कोई मुझको गिराना चाहता, अरे बाबा बाबा, क्या कहने, कोई मुझे, कोई मुझको गिराना चाहता, क्या बात, चाहता है, कोई मुझको गिराना चाहता है, मगर कोई बहाना चाहता है। हाजरीन, मैं अब ये मिसरे को जब शेर के बाद रिपीट करूंगा, अब आप उस पर तवज्जे देंगे तो उसका लुत्फ कुछ और आएगा। क्या बात, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, जिंदगी के हर शोबे में कंपटीशन है, मैं एक मंजर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, मुलाहज़ा फरमाएं, मगर कोई बहाना चाहता है, बराबर में वो आया तो मैं समझा, बराबर में वो आया तो मैं समझा, बराबर में वो आया तो मैं समझा, वो मुझसे आगे जाना चाहता है।
वो मुझसे यार तालियां हो जाए तमाम लोगों की जान। क्या बात है, क्या बात है। वो मुझसे आगे जाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। जरा औकात उस झोंके की देखो, जरा औकात उस झोंके की देखो, जरा औकात उस झोंके की देखो जो सूरज को बुझाना चाहता है, जो सूरज को बुझाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता, मगर कोई बहाना चाहता है। और दोस्तों ये शेर भी मुलाहजा फरमाएं, सारे बाजार तुझको लाने वाला, सारे बाजार तुझको लाने वाला, सारे बाजार तुझको लाने वाला तेरी कीमत घटाना चाहता है, तेरी कीमत घटाना चाहता है तेरे बाजार मगर कोई बहाना चाहता है। और दोस्तों गजल का मक्ता खास तौर से मुलाहजा फरमाएं, नहीं मगर को, बहुत शुक्रिया शेर याद दिलाया। और कभी कभी कुछ शेर नए एंगल से जो होते हैं उनका न सुनाना भी नुकसान है उर्दू शायरी का। जी जी, ये मेरा एक शेर शायद नए एंगल से हो, मैं पेश कर रहा हूँ मुलाहजा फरमाएं। अच्छा, मगर कोई बहाना चाहता है, जुनू तो देख उस तारे का ए शब, जुनू तो देख उस तारे का ए शब, जुनू तो देख उस तारे का ए शब, वो तुझको दिन बनाना चाहता है, वो तुझको दिन बनाना चाहता है, वो तुझको दिन बनाना चाहता है, बनाना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। और ये मक्ता मुलाहजा फरमाया गजल का, अच्छा, नहीं मुस्का बिगाड़ेगा कोई क्या, नहीं उसका बिगाड़ेगा कोई क्या, नहीं उसका बिगाड़ेगा कोई क्या, खुदा जिसको बनाना चाहता है, खुदा जिसको बनाना उस्ताद लगा दो। जी जी जी,
देखिए वक्त भी कम है, वही गजल सुन लेते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम। दो चार शेर में उसके पता नहीं, गुड्डू भाई कभी कभी तो दो तीन बार मुझे मुशायरों में, आपको कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पढ़ना है, कोई कलाम नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है तरक्कियों की दौड़ में। क्या बात, अभी भी उन्होंने चुपके से मेरे कान में यही कहा कि नहीं भाई वक्त कम है, दो तीन शेर वो तरक्की के आप पढ़ दीजिए। बहरहाल मैं पेश कर रहा हूँ, एक मरतबा जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए। सबसे हिट गजल, सबसे गोल्डन गजल, आज भी अगर नईम अख्तर खादमी साहब वो गजल ना पढ़े तो उनकी मौजूदगी अधूरी सी मालूम होती है। इतनी जबरदस्त गजल, वही गजल, शाहकार गजल हम सुनने जा रहे हैं मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बात है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया। क्या बात है भाई, याकूब शेर साहब जो है तो अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे। वाह वाह वाह, बना अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तरक्कियों की दौड़ में इस शेर पर मैं, एक शेर पर मैंने जब पाकिस्तान में ये गजल पढ़ी थी तो एक शेर का की मैं बात ताल्लुक से बात करूंगा। अभी दो तीन शेर और पढ़ के फिर वो शेर सुनाऊंगा आपको। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया। सुलग उठेंगे जान कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जान कितने दिल हसद की आग से। अगर हवा के रूबरू मेरा चराग जल गया, अगर हवा के रूबरू मेरा चराग जल गया, मेरा चराग जल गया। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से। जरा सी आंच क्या लगी के मोम सा पिघल गया, जरा सी आंच क्या लगी के मोम सा पिघल गया, मोम सा पिघल गया। और कई शख्सियतें घूम जाएंगी आपकी नजर में, मैं शेर पेश कर रहा हूं। उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमान, उरूज पर नसीब था छू रहा था आसमान, उरूज पर नसीब था, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमान। बिगड़ गया नसीब तो जमीन से भी फिसल गया, बिगड़ गया नसीब तो जमीन
से भी फिसल गया, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमान, गड़ गया नसीब तो गड़ गया नसीब तो जमीन से भी फिसल गया, जमीन से भी फिसल गया। और ये शेर मैं सुनाना चाह रहा हूं वाहिद जी, पाकिस्तान के कराची क्लब के मुशायरे में अहमद फराज जी की शिरकत हुई, मैं बड़ा खुश हुआ। हाँ। कि जिनको पढ़ के शेर कहना हमने शायरी सीखी है, क्या बात है, क्या बात। लेकिन अहमद फराज किसी को भाव नहीं दे रहे। हाँ। ये स्टेज है, उस तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, कौन शायर क्या पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं, चेन्स को स्मोकर सिगरेट पीते बैठे हुए थे। मैंने एक जुमला कहा, मैंने कहा अगर फराज साहब मेरे किसी शेर पर तबस्सुम फरमा देंगे तो मैं समझूंगा मुझे दाद मिल गई। क्या बात। फराज साहब ने देखा मेरी तरफ, मैंने शेर पढ़ा, इस शेर पर मेरी पीठ थपथपाई उन्होंने। क्या बात है, वाह। मैं शेर पेश कर रहा हूं। अच्छा। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, आईने बदल गया। अहमद फराज साहब ने कहा नईम अख्तर आईने को इस मफहूम में उर्दू शायरी में नहीं मिलेगा जिस मफहूम में आपने आईने को नज़्म किया है, मेरी पीठ थपथपाई और मुझे दाद दी। वाह वाह, ये मुझे हक हासिल था। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, मेरी झोपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, तो तेरा भी महल गया, तो तेरा भी महल गया। और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमा, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, तो तेरा भी महल गया। और ये आखिरी शेर मेरा, ये शेर अक्सर राज्यसभा में पढ़ते हैं सांसद लोग, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, जरा सी देर के लिए, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, इधर ये शोर मच गया के आफताब ढल गया, इधर ये शोर मच गया के आफताब ढल गया, आफताब ढल गया, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया। देखिए मक्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद की रूह आपको महसूस होगी,
नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, न बाग से हवा गई न झील से कंवल गया, न बाग से हवा गई न झील से कंवल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया।